वेलकम टू दिस चैनल। मैं डॉक्टर टी देना था, डॉक्टर फाउंडर मेडिकल साइंस मोटिवेशन स्पीकर इन लाइफ कोच एंड सेक्रेटरी रेसिडेंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप सेक्रेटरी में एमडी करना चाहते हैं, एमडी सेक्रेटरी करना चाहते हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट स्पेशली इन असम से, तो असम मेडिकल कॉलेज आपके लिए कैसा होगा, इसका प्रोसेस क्या है, कौन सा है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ पीजी सीट जो असम मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में है वो पिछले साल 9 है, अभी भी 9 ही रहेंगे, तो 9 पीजीटी आप लोग होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर बनता है। ये एक फर्स्ट प्रोसेस है कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कॉलेज में 2 या 3 मैक्सिमम रहता है, यहाँ पे 9 सीट्स है। हम लोगों का बीच में 8 था, इसके बाद जो जूनियर आए इसमें 9 हो, इस बार भी 9 पीजीटी आपको मिल सकता है या फिर 8 पीजीटी हो सकता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, जो लोड हैं, वो बहुत अच्छा है। आपको सीखने के लिए बहुत वैराइटीज केसेस आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ एडमिशन बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ ओपीडी केसेस बहुत अच्छा है, बहुत सारा अदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है वहाँ से भी लोग आशा मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी स्पेशली सेक्रेटरी को दिखाने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली जो सेक्रेटरी सर्विस है आशा मेडिकल कॉलेज इट्स फार फार बेटर। तो नॉट ओनली अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर स्टेट्स लाइक अरुणाचल और अदर स्टेट्स लाइक नागालैंड, फ्रॉम हेयर ऑल्सो पीपल्स कम्स फॉर द ड्रग डिटेक्शन सर्विसेज और एनी अदर सेक्रेटरी सर्विसेज। तो सेक्रेटरी सर्विस आशा मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली लीड करते हैं, और वहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ बहुत अच्छा है, उन लोगों का जो नॉलेज है, जो डेडिकेशन है, वो कभी कभी हम लोग खुद को मतलब कैसा लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और ये टीचर लोग जो है इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन है, हम लोग को और ज़्यादा डेडिकेशन देना चाहिए, इस तरह का फीलिंग होता है। तो डेफिनेटली आपको जो इंपॉर्टेंट है पेशेंट लोड, दूसरा आपका नंबर ऑफ पीजी सीट्स, अगर आप प्रोसेस में और देखेंगे फैकल्टीज़ द नॉलेज ऑफ द फैकल्टीज, डेडिकेशन ऑफ द फैकल्टीज बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर प्रोसेस में देखेंगे एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स हर वीकली आपको एकेडमिक्स करना पड़ेगा, तो एकेडमिक्स के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली एकेडमिक्स बहुत हाई है, पेशेंट लोड हाई है, कैरी पेशेंट कैरिंग हाई है। नंबर ऑफ ईसीटी बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, एवरी वीक 2 दिन होता है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत है, बहुत सारा ईसीटी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ईसीटी मशीन्स भी नहीं होते, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो असम मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी अगर आप कर रहे हैं तो ईसीटी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आरटीएमएस का प्लानिंग चल रहा है, वो कब तक आएगा श्योरिटी नहीं है, अदर क्लिनिक भी खुलने का ऑप्शन चल रहा है, तो डेफिनेटली ये देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो ये प्रोस में आते हैं, कॉन्स में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना बिल्डिंग में है, तो ये थोड़ा सा इशूज़ है जिसमें आपको रहना खाना पीना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी जहाँ पे एजुकेशन अच्छा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना जरूरत क्या है, आप जैसे भी बाहर ही रह सकते हो और थोड़ा टाइम आपको डिपार्टमेंट देना, और नया डिपार्टमेंट होगा तो डेफिनेटली ये चेंजेस हो जाएगा, तो इसलिए कॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रोस बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा लिबर्टी जो होता है पीजी में वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहना है कि 3 साल के लिए आए हो, 3 साल जितना हो सके डिपार्टमेंट को देने के लिए या जो कॉलेज है उसमें रहने के लिए, तो डेफिनेटली ये एक कॉन्स की तरफ आप देखेंगे। और नंबर जो है स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है कंपेरेटिवली, तो डेफिनेटली ये भी एक कॉन्स है कि अब बाहर का कोई स्टेट से करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे आपको इतना स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, तो स्टाइपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आर द मोस्ट कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज। और प्रोस आप देख ही चुके जान चुके हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स, फैकल्टीज, डेडिकेशन एंड योर एकेडमिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इफ यू वॉन्ट टू टेक सेक्रेटरी डेफिनेटली यू कैन चूज एमडी सेक्रेटरी फ्रॉम एमसीएच। थैंक यू सो मच।